फिल्म के द्वारा भी हमारी मैसेज डेफिनेटली यही है कि स्पोर्ट अबाउट एवरीथिंग एल्स। जिंदगी में आपको अगर दो या तीन भी ऑप्शन मिलते हैं तो बहुत सारे लोग वो हैं जो जिनकी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं देश को रिप्रेजेंट करूं कहीं ना कहीं, क्योंकि उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ और मैं मानता हूं कि है ही नहीं, और वैसे ही यूथ भी मानती है कि है ही नहीं। तो देसी कट्टा ये एक मेयर्स कॉम्पिटिशन इन्होंने शिंदे साहब और उनकी एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया, सावरकर राइफल क्लब ने ऑर्गेनाइज किया हुआ। यू नो ऑफ कोर्स यू हैव डेला एडवेंचर व्हिच इज स्पॉन्सरिंग दिस होल इवेंट। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे इवेंट्स के लिए आगे आते हैं, सो यू शुड यू नो हर एक को सल्यूट करना चाहिए। इसके द्वारा हम उन क्लब्स जो आज जो फंड्स के वजह से या किसी वजह से पॉपुलैरिटी न होने की वजह से दे आर ड्विंडलिंग, उन्हें हम उठाना चाहते हैं एंड ब्रिंग इट बैक टू फंक्शनिंग। तो आई थिंक 100+ पार्टिसिपेंट्स है आज, और ये मेयर्स कप है और हम यहाँ आए उसे प्रमोट करने और उन लोगों को पुरस्कार देने जो डिजर्व करते हैं। आप लोग से रहते हैं, आप लोग ने कभी शूटिंग करी है कभी गन के साथ? मैंने जितनी भी शूटिंग की है सेट पे की है, और मुझे डर लगता है बहुत जब एकदम से ज़ोर से आवाज़ आती है, बट इट्स रियली ब्रिलियंट टू सी दैट यू नो इट्स अ स्पोर्ट, और मज़ा आता है देखने में, क्योंकि जब निशाना आप लगाते हैं तो अगर लगता है तो एक एक्साइटमेंट होती है। सो एज अ स्पोर्ट आई थिंक इस चीज़ को आप बहुत इन्जॉय कर सकते हैं, और हमारी फिल्म में हमने सबसे ज़्यादा जो है शूटिंग को इम्पोर्टेंस दी है।